यस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशा करता हूं कि सभी अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं। आज का चैप्टर है, आज का जो चैप्टर का नाम है वो एक स्टोरी है। टुडेज चैप्टर इज अ स्टोरी फ्रॉम योर इंग्लिश चैनल बुक एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज द हाफ बिल्ट हाउस। ठीक है, आधा अधूरा बनाया हुआ घर। ठीक है, मतलब जो घर जो इनकम्प्लीट है, अभी तक कम्प्लीटली उसे बनाया नहीं हम लोग, तो उसे हम लोग कहते हैं हाफ बिल्ट। पूरा बिल्ट को क्या कहेंगे, फुल बिल्ट तो नहीं कहेंगे, द बिल्ट हाउस। मतलब घर जो है वो पूरा बन चुका है। और हाफ बिल्ट होते हैं जो मतलब आधा होते हैं, हाउस जो है उसका कंस्ट्रक्शन, उसका बनावट अभी भी अधूरा है, हाफ है, आधा है। सो टुडेज चैप्टर इज द हाफ बिल्ट हाउस। तो सबसे पहले मैं रीडिंग पढ़ूंगा, जैसे कि हर चैप्टर का मैं करता हूं, आप लोगों को रीडिंग पढ़ के सुनाऊंगा। ये जो वीडियो मैं बनाता हूं, रीडिंग पढ़ना इसीलिए जरूरी है ताकि हम लोगों को वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, कौन से वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कौन से वर्ड्स का क्या मीनिंग है, ये पढ़ते पढ़ते मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। और वीडियो आप लोगों को फॉलो करना है जब आप घर बैठे ये चैप्टर को रीडिंग पढ़ रहे हैं। वर्ड्स जितने भी आप कलेक्ट कर सकते हो एक चैनल स्टोरी से, उतना ही बेहतर होते हैं कि आप फ्यूचर में वो वर्ड्स कहीं पर यूज कर सकते हैं। वर्ड्स का जो स्टॉक होता है, शब्द का जो स्टॉक होता है, उसे हम लोग वोकैबुलरी कहते हैं, वोकैबुलरी। सो अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए जितना हो सके स्टोरीज में वर्ड्स जो होते हैं उनके वर्ड मीनिंग्स जो है उन्हें हम लोग को लिखना है और फिर याद भी रखना है, पढ़ के याद भी रखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर, द स्टोरी द हाफ बिल्ट हाउस। ये आपके फोर्थ स्टोरी है इंग्लिश चैनल बुक से। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग, प्लीज लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना कि कौन से वर्ड को कैसे हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं। और जरूर ये वीडियो जब आप पढ़ाई कर रहे हो रूम में, घर में, तो उसके साथ कंटिन्यू करना, वीडियो को पास रख के कोई भी वर्ड है पहले वीडियो सुन लेना, फिर रीडिंग पढ़ना, और फिर कोई भी वर्ड्स अब अटक जाते हो, आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होते हैं, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट। द चिटनिस चिल्ड्रेन वेर एंजॉइंग देयर समर हॉलीडेज विद देयर ग्रैंड मदर। अल्पना चिटनिस। ग्रैंडमास फार्म वॉज एन एक्साइटिंग प्लेस फॉर अथर्वा एंड नेहा एंड देयर कजिन्स। दिशा ध्रुव एंड देव। द चिल्ड्रेन ऑलवेज हैड प्लेंटी टू डू आउटडोर्स। क्लाइम ट्रीज, गो स्विमिंग, फ्लाई काइट्स और जस्ट प्ले फुटबॉल इन द ओपन मेडो एंड समटाइम्स हैव एन एडवेंचर। लेट अस गो एंड एक्सप्लोर द बैम्बू ग्रोव आफ्टर टी टूडे। इट विल बी नाइस एंड कूल इन द इवनिंग, said Atharva, who was 11 years old. He was the oldest, so he decided what everyone would do. Dev, the youngest, was 8, but he would always say, I can look after myself. तो ये जो स्टोरी के स्टार्टिंग है, हर स्टोरी में कभी भी कोई भी स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें कौन से लोग हैं जिसे हम लोग इंग्लिश में कैरेक्टर्स कहते हैं, कौन से कैरेक्टर्स ये स्टोरी में है उनके बारे में पहले बता देते हैं। ठीक है, ये तो स्वाभाविक है कि बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप कोई नए जगह पर जाते हो, आप सबसे पहले अपने नाम कहते हो, कहां से रहने वाले हो, तब जाके आपके इंट्रोडक्शन बनते हैं कि ये बंदा यहां से है, इसका नाम ये है। फिर आगे चल के क्लासेस वगैरह या फिर कोई आप नए जगह पर गए हो, आप घुल मिल सकते हो, आप सभी को पहचानते हैं, पहचान जाते हैं आपके नाम से। ठीक वैसे ही स्टोरीज जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कैरेक्टर्स के जो नाम है, किसका क्या मतलब काम होगा, तो ठीक वैसे ही ये स्टोरी में भी कुछ कुछ बच्चों का नाम है, जो चिल्ड्रेन है ये अपने नानी के घर घूमने गए हैं समर हॉलीडेज, मतलब जो आपके समर्स होते हैं, जैसे समर वेकेशंस होते हैं उनमें हम लोग घूमने जाते हैं बाहर,
तो ये बच्चे जो हैं ये भी घूमने आए थे कहां, अपने दादी के घर। और कौन कौन थे, अल्पना चिटनिस, ठीक है, अथर्वा, नेहा और उनके कजिन्स, कौन कौन, दिशा, ध्रुव और देव। तो कुल मिला के अल्पना, अथर्वा, नेहा और दिशा, ध्रुव और देव, ये सारे मिला के हो गए 6 बच्चे टोटल। तो 6 बच्चे जब एक जगह मिल जाते हैं और वो छुट्टी का दिन है तो बस बात बन जाता है। बहुत सारे गेम्स और बाहर घूमना फिरना, एक्साइटिंग एडवेंचर्स, रोमांच वाले, कहीं पर जाओ, कुछ नए देखो, कुछ नया सीखो, तो ये बात तो लगा रहता है। कि उसी तरह ये बच्चे भी अपने जो नानी है उनके घर आए थे और बहुत सारे आउटडोर एडवेंचर्स, आउटडोर मतलब बाहर, ये खेत खलियां, फिर तालाब, पेड़, पहाड़, ये सब हम लोग आउटडोर्स कहते हैं। घर का बाहर का जो भी है, घर के बाहर जो है, घर के अंदर हम लोग कहते हैं इंडोर्स, घर के बाहर कहते हैं आउटडोर्स। तो लेट अस गो एंड एक्सप्लेन द बैम्बू, एक्सप्लोर द बैम्बू ग्रोव आफ्टर टी टुडे, इट विल बी नाइस एंड कूल इन द इवनिंग, सेड अथर्वा हु वाज 11 इयर्स ओल्ड। तो उनमें से सबसे बड़ा था अथर्वा। अब फैमिली में क्या होता है, जो बड़ा होता है, बच्चे अगर एक जगह मिल जाते हैं तो आप लोगों का जो बड़े होते हैं बच्चों में, जो वो एक प्रकार के लीडर होते हैं और वही सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस तय करते हैं, नियम तय करते हैं कि भाई यहाँ चलना है, मेरे साथ चलो, ये काम करना है, मेरे पीछे आओ, तो ऐसे होते हैं। तो अथर्वा जो था ये सबसे बड़ा था ग्रुप में, तो इन्होंने ये तय किया कि आज चलो हम लोग जाएंगे बैम्बू ग्रोव। बैम्बू होता है बांस, ग्रोव एक झाड़ी होता है पेड़ का, बहुत सारे पेड़ को मिलाकर एक झाड़ी बनता है, उसे हम लोग ग्रोव कहते हैं। इट विल बी नाइस एंड कूल इन द इवनिंग, सेड अथर्वा हु वाज 11 इयर्स ओल्ड, ही वाज द ओल्डेस्ट, सो ही डिसाइडेड व्हाट एवरीवन वुड डू। देव द यंगेस्ट वाज जस्ट 8, बट ही वुड ऑलवेज से आई कैन लुक आफ्टर माइसेल्फ। तो सबसे छोटा कौन था, देव, सबसे बड़ा कौन था, अथर्वा। अथर्वा था 11 साल और देव था 8 साल के, तो 3 साल का फर्क है सबसे बड़े और सबसे छोटे में। तो देव जो है ये सबसे छोटा था 8 साल का, लेकिन इसका जो बात है कि ये थोड़ा सा डेस्परेट था, ये अपने आप ख्याल रख सकते हैं, ऐसे एटीट्यूड वाला लड़का था, बच्चा था। बी केयरफुल देयर चिल्ड्रन, सेड ग्रैंडमा, यस ग्रैंडमा वी विल बी केयरफुल, वी प्रॉमिस, सेड अथर्वा। अब नानी जो होते हैं ये तो बहुत नरम होते हैं ना, तो पूछते हैं कि बेटा जाना तो ठीक है लेकिन सावधानी से। The children got onto their bicycles. It was 5 o'clock in the evening. On the way to the bamboo grove, they noticed a house only half built. तो जैसे ये लोग वो बांस के झाड़ियों में जा रहे थे घूमने के लिए साइकिल लेकर 5 बजे, तभी जाते वक्त इन लोगों ने नोटिस किया, देखा कि ये आधा सा घर, आधा तैयार किया हुआ घर वो बीच रस्ते में है। What a nice place to play hide and seek, said Disha, who was almost the same age as Atharva. Let's play here, we will not go to the bamboo grove. तो दिशा जो है ये 11 साल की उम्र का लगभग सेम है अथर्वा के एज का। अथर्वा का उम्र कितना था, 11 साल। दिशा जो है वो भी आसपास ही है। तो वो जब जा रहे थे सारे मिलके वो बांस के झाड़ियों में देखने के लिए, घूमने के लिए, तभी इन लोगों ने देखा कि एक बीच में आधा सा तैयार किया हुआ घर है, मकान है। तो जो दिशा है उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हम लोग यहाँ लुका छुपी खेलेंगे, बहुत अच्छा जगह है लुका छुपी खेलने के लिए, ठीक है, इनकम्प्लीट घर है तो उसमें लुका छुपी खेलने में मजा आते हैं। बट वॉट इफ देयर आर मैड डॉग्स देयर, आस्क्ड नेहा जोकिंगली। अब मजाक से नेहा ने पूछ लिया कि भाई क्या होगा वहां पर अगर पागल कुत्ते रहे तो। देन ओनली दिशा एंड आई विल गो इन फर्स्ट, We will see if it is safe to play there, said Atharva. तो अथर्वा जो है ये ना सिर्फ डिसीजन लेते हैं बल्कि ये थोड़ा साहसी भी है क्योंकि ये सबसे बड़े हैं। तो ये कहा कि भाई चलो ठीक है, मैं और दिशा जाता हूँ घर के अंदर और पहले देख लेता हूँ कि जो घर के अंदर वाला पोर्शन है, जो जगह है, वो खेलने के लिए सही होगा या नहीं। अगर सेफ है, अगर सुरक्षित है तो हम लोग खेलेंगे, अगर नहीं है तो ये लोग बांस का जो झाड़ी है उस तरफ घूमने चले जाएंगे। The other children were eager for an adventure. Eager मतलब उत्सुक होना। They waited at a distance for the two older children to give the sign that all was fine. अब दो गए हैं घर के अंदर जो बड़े थे और बाकी जो दो थे
वो क्या था, वो दूर खड़े थे। जब तक वो बड़े वाले बच्चे इनको सिग्नल न दे कि आ जाओ सब ठीक है, तब तक ये दोनों नहीं जाएंगे। ये अथर्व का ऑर्डर था। बट दे वर टेकिंग लॉन्ग, बट ये जो दोनों बड़े बच्चे अथर्व और दिशा, ये जो दोनों घर के अंदर गए, ये लोग बहुत समय लगा रहा था, ले रहा था। मिनट्स पास्ट, द थ्री वेटिंग चिल्ड्रेन वर गेटिंग इंपेशेंट। अब जो दोनों अंदर गए हैं, ठीक है, बहुत सारा समय हो गया, बहुत मिनट्स पार हो चुके हैं, लेकिन वो दोनों अभी तक आया नहीं, तो बाकी तीन जो बाहर वेट कर रहा था, ये थोड़ा सा रेस्टलेस हो गया। इनका जो पेशेंस है, इनका जो धैर्य है, ये खत्म होने को आ रहा था। They decided to go and find out themselves what was happening. Just then Atharva and Disha came running back. जब ये लोग तीनों जो बाहर थे, ये तीनों जब डिसाइड कर चुके थे कि चलो अब अंदर जाना ही है, क्या हो गया, उन लोगों को देखना है, तब भी वो दोनों जो बड़े बच्चे थे, अथर्वा और दिशा, ये दोनों भागते हुए वापस आए। क्विक, लेट अस गेट बैक टू ग्रैंडमास हाउस एट वंस, सेड अथर्वा, जल्दी करो, हम लोगों को नानी का घर वापस जाना है। वी शैल टेल डैड राइट अवे व्हाट वी सॉ, सेड दिशा। तो दिशा कहते हैं हम लोगों को तुरंत पापा को ये कहना चाहिए जो हम लोग अभी देखे हैं। एंड व्हाट डिड यू सी, आस्क्ड देव, क्यूरियस टू नो व्हाट हैड हैपेंड इन द हाफ बिल्ट हाउस। देव जो था 8 साल का, उसका मन थोड़ा जिज्ञासु था कि तुम लोग क्या देखा वहां, जो अभी पापा को कहना है तुमको। When the children reached grandma's house, they were surprised to find Disha's father, Inspector Chitnis, already there. तो जैसे वो लोग घर पहुंचे, ये चिटनिस फैमिली में मिस्टर चिटनिस जो थे, ये दिशा के पापा थे और ये पुलिस इंस्पेक्टर था, तो वो भी घर में मौजूद थे। डैड, डैड, सेड दिशा एक्साइटेडली, यू विल नेवर गेस व्हाट वी डिस्कवर्ड। डू यू रिमेंबर दोस पिक्चर्स ऑफ द थ्री वांटेड क्रिमिनल्स दैट वी हैड सीन इन योर ऑफिस? दोस थ्री मेन आर हियर, दे आर इन दैट हाफ बिल्ट हाउस, अथर्वा एंड आई सॉ द मेन इन द बैक रूम। तो यही चीज उन लोगों ने देखा था, उसीलिए ये लोग दौड़ के वापस आया हांफते हुए, और ये तय कर लिया कि जल्दी से जल्दी पापा को बोलना है। क्यों? क्योंकि उनके पापा पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो कहा कि पापा, आप लोग, आपको याद है आपने जो फोटो दिखाया था ऑफिस में, वो तीनों वांटेड, मतलब जो कैदियों को पुलिस ढूंढता फिरता है, फरार कैदी, ठीक है, जो भाग चुका है जेल से या फिर बहुत क्राइम्स कर रहे हैं, पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके जो पिक्चर्स होते हैं थाने में, वो पोस्टर्स वो लोग चिपका देते हैं हर जगह, ताकि आम इंसान देखे और पुलिस को खबर दे और वो मुजरिम या फिर जो कैदी है वो पकड़ा जाए। तो ठीक ऐसे ही हुआ, फोटो दिखाया था मिस्टर चिटनिस ने, तो दिशा वो याद रखी थी और कहा कि पापा याद है आपने जो फोटो दिखाए थे, वही तीन क्रिमिनल, वो फरार जो कैदी थे, जो क्रिमिनल्स थे, उसे हम लोग देखे उस हाफ बिल्ट घर में, वो आधा अधूरा घर जो है बनाया हुआ, उसमें हम लोग देखे एक पीछे के रूम में। Yes, those men almost caught us, but we hid behind two empty drums, said Atharva. And one man said to the others, oh, it's just a cat somewhere. तो ऐसा भी हुआ था कि वो तीन बदमाश जो है, वो कैदी जो है, वो उन लोगों को लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन ये दोनों बहुत चालाक थे, और कौन कौन, ये दो कौन, अथर्वा और दिशा, ये दोनों ड्रम के पीछे छिप गए। तब उन जो कैदी हैं तीनों में से एक ने कहा कि अरे छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं है, बिल्ली है, तो उन लोगों ने देखा नहीं, देख लिया होता तो गया काम से, पकड़ लेता इन दोनों को। द टू चिल्ड्रेन लाफ्ड, बट दैट वॉज डेंजरस चिल्ड्रेन, ग्रैंडमा क्राइड आउट इन अलार्म। अब नानी जो है, ये तो बहुत चिंतित रहती है, उनके पोता पोती है भाई, अगर कुछ हो जाता तो ये तो बहुत जोखिम भरा काम था, कुछ हो जाता तो, वो चिल्ला उठे दादी माँ, ओ ग्रैंडमा, बट दे हैड एन एडवेंचर, सेड देव। अब देव कम उम्र का है, वो 8 साल के हैं, तुम्हें लग रहा है छोड़ो ना दादी, क्या हुआ, एडवेंचर तो हुआ, कुछ नया तो देखा, ये लोग कुछ रोमांच कर देखा। वी हैड अ फीलिंग दैट दोज क्रूक्स वेयर समवेयर हियर, क्रूक्स मतलब बदमाश, सेड डैड, सो आई ड्रोव डाउन टू योर ग्रैंडमास फार्म, आई मस्ट कॉल हेडक्वार्टर्स एंड टेल देम टू सेंड द पुलिस पेट्रोल एट वंस, यू डिड द राइट थिंग चिल्ड्रेन, वेल डन। तो क्या किया ये मिस्टर चिटनिस जो है, जो इंस्पेक्टर है, इन्होंने ये कह दिया कि मैंने हेडक्वार्टर को फोन कर दिया है
अभी पुलिस का जो टुकड़ी है वो आ रहे हैं, मुझे पहले से ही मालूम था, इसीलिए मैं ये आपके नानी के घर के इधर आया एक बार देखने के लिए। और किस्मत देखो, बच्चों ने देख लिया, मुर्सिम पकड़े गए, मतलब देख लिया है कहां छुपा हुआ है। तो पुलिस ने, ये जो इंस्पेक्टर है, ये सारे बाकी पुलिस फोर्स को बुला लिया। अ लिटिल लेटर द पुलिस पेट्रोल अराइव्ड। तो थोड़ी देर में वो जो पुलिस के गाड़ी होते हैं जिसमें पुलिस फोर्स रहते हैं, 4-5 पुलिस के बंदे रहते हैं, ये सब आ गए। अथर्वा एंड दिशा आस्क्ड इफ दे कुड एकम्पनी द ऑफिसर्स। एकम्पनी मतलब साथ जाना, असिस्टेंस देना, साथ जाना, एकम्पनी। द ऑफिसर्स सेड दैट दे कुड ओनली, दे कुड बट ओनली इफ दे वुड ओबे इंस्ट्रक्शंस। तो ये बच्चे जो थे ये थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे और कह रहा था कि हम लोग भी आपके साथ चलेंगे, ठीक है। तो पुलिस जो थे वो पेट्रोल गाड़ी में, ये कहा कि देखो जा तो सकते हो लेकिन एक शर्त पर, हम लोग जो कहेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग देंगे आपको, आप लोगों को फॉलो करना है, आप लोगों को पालन करना है। ओबे मतलब पालन करना। द टू चिल्ड्रेन ईगरली अकम्पनीड द पुलिसमैन टू द हाफ बिल्ट हाउस। तो दो बच्चे जो है, दिशा और अथर्वा, ये दोनों पुलिस के साथ गए। वेरी क्वाइटली द फोर पुलिसमैन एंड द चिल्ड्रेन अप्रोच द रूम। तो बहुत बहुत ही सावधानी से, बिना आवाज किए, ये लोग पहुंच गए वो रूम के आसपास, 4 पुलिस और 2 बच्चे, जहां पर वे बदमाश जो थे छिपे हुए थे। देन क्विक एज लाइटनिंग द पुलिस बर्स्ट इनटू द रूम एंड गॉट होल्ड ऑफ द 3 क्रूक्स एंड हैंडकफ्ड देम। तो पुलिस क्या करते हैं, पहले सावधानी से, छिपके से, आराम से ये लोग रूम को पूरा घेर लिया। फिर अचानक लाइक अ लाइटनिंग, जैसे कि बिजली जो गिरती है, उतना ही फास्ट पुलिस गया रूम के अंदर और ये तीनों बदमाशों को दबोच लिया। हैंडकफ्ड मतलब हथकड़ी पहनाना, अरेस्ट कर लेना। मोर ऑफिसर्स अराइव्ड एंड द क्रूक्स वेर टेकन अवे। और भी पुलिस आए एंड द क्रूक्स वेर टेकन अवे। वो जो बदमाश थे, क्रूक्स मतलब बदमाश, उन लोगों को लेकर चले गए। द चीफ ऑफिसर वॉज वेरी प्लीज्ड, गुड वर्क चिल्ड्रेन ही सेड। जो सबसे बड़ा ऑफिसर था, इंस्पेक्टर से भी ऊपर, वो बहुत खुश हुए बच्चों का ये साहसिकता और ये काम देख के, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि शाबाश बच्चे, तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं। यू आर वेरी ब्रेव, सेड डैड। तो पापा ने कहा कि तुम लोग बहुत साहसी हो। तो ये था स्टोरी, मैंने समझाने का कोशिश किया है, वर्ड मीनिंग्स भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, घर बैठे ये स्टोरी को, मैंने जैसे रीडिंग पढ़ा है उसे रीडिंग पढ़ो, ठीक है। वीडियो को पास रखना ताकि पढ़ते वक्त कोई भी वर्ड आप अटक जाते हो या फिर कंफ्यूजन होता है कि ये क्या होगा, क्या उच्चारण होगा, तो उस वीडियो से देख लो, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी द हाफ बिल्ट हाउस। कुछ बच्चे अपने नानी के घर घूमने जाते हैं और वो एडवेंचर के नाम पे जब जा रहे हैं पास के झाड़ियों में खेलने, तो रास्ते में देखते हैं कि एक आधा अधूरा घर बनाया हुआ है। तो क्या करते हैं ये लोग, घर के अंदर जाते हैं लुका छुपी खेलने के लिए, जगह ठीक है कि नहीं देखने के लिए। तभी ये लोग देख लेते हैं कि 3 बदमाश जो है ये घर में छिपने के लिए आ रहे हैं। इनमें से एक बच्चों का जो है, दिशा के पापा पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो बच्चों ने जाके उनको इन्फॉर्म किया, अगवा किया, और पुलिस ने बाकी सारे जो पुलिस फोर्स है हेडक्वार्टर से मंगवा लिए और इन तीनों बदमाशों को दबोच लिया, ठीक है। तो ये है स्टोरी का छोटा सा सारांश, मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है। प्लीज गो थ्रू द स्टोरी, रीड द स्टोरी, ये बहुत ही रोमांचक स्टोरी है। ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है, कोई साहसिकता वाला काम, कोई साहसी ऐसा काम कर लो कि शाबाशी मिले, लेकिन ध्यान से, ठीक है। प्लीज डू स्टडी एट होम एंड फॉलो द वीडियो। ऑलराइट, थैंक यू।